नमस्कार मामा बच्चा में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 10 एंगेजमेंट एक्टिविटीज फॉर किड्स, मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जिससे कि बच्चा बहुत देर तक की बिजी रहेगा और उसको बहुत मजा भी आएगा इन एक्टिविटीज को करने में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई घर के बाहर जा नहीं पा रहा है तो घर के अंदर ही बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 10 और एक्टिविटीज बताई हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो ये 10 अलग एक्टिविटीज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही काम की एक्टिविटीज हैं, मेरी बेटी बहुत एंजॉय करती है इन सबको करते हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं दूसरे पेरेंट्स के साथ। पहली एक्टिविटी है पेंटिंग या ड्राइंग या कलर करना। देखिए बच्चे बहुत जल्दी एक ही टाइप की चीज से बोर हो जाते हैं, आप रोज वही ब्रश और वही कलर्स लाकर दे दोगे बच्चों को तो वाकई वो एक दिन करेगा, चार दिन करेगा, पांचवें दिन बोर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जो कि वेजिटेबल्स वगैरह जैसे होते हैं तो उनको आपने कट करके दे दिया। जैसे मैंने अपनी बेटी को कई बार क्या करती हूँ, भिंडी काट के दे देती हूँ और कलर दे देती हूँ उसको वाटर कलर, तो वो भिंडी के शेप से वो कलर करती है। जैसे फिंगर टिप से कई बार आप करवा सकते हैं बच्चे को, इस तरह से तुरई वगैरह की अलग अलग शेप काट दीजिए। इस तरीके से अगर आप कराएंगे ना बच्चे से पेंटिंग या कलर तो उसको बहुत इंटरेस्ट लेगा बच्चा, अच्छे से करेगा और थोड़ा सा चेंज होगा उसके लिए। तो पेंटिंग या कलर इस तरीके से आप थोड़ा अलग वे में बच्चे से करवा सकते हैं और बच्चा आई एम श्योर बहुत इंटरेस्ट लेगा। एक और चीज बोलूंगी, जनरली हम व्हाइट पेपर में करवाते हैं बच्चे से कलर, बट अगर आप थोड़ा कलर्ड पेपर लेकर आएंगे जैसे कि लाइट येलो लाइट पिंक अगर आपके घर पे है अवेलेबल तो आप उसमें भी करवा सकते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है ना तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है चीजों को करने में। दूसरी एक्टिविटी है जो कि रिलेटेड है आर्ट एंड क्राफ्ट से। जैसे मेरी बेटी 3 साल की है, उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है आर्ट एंड क्राफ्ट में, मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, कुछ शेप्स ड्रॉ कर देती हूँ तो उसके ऊपर वो स्टिक करेगी, लाइक दाल दे दीजिए आप घर में जो अरहर की दाल होती है, चने की दाल होती है, कुछ भी उसको चिपकाएगी बड़े अच्छे से। कोई फ्लावर आपने बना के दे दिया है उसमें वो उन चीजों को चिपकाएगी। फिर आप क्या कर सकते हो, जो सूजी होती है सूजी को आप कलर कर लीजिए 2-3 कलर में, लाइक हल्दी लगा लिया किसी थोड़े से सूजी में, थोड़े से सूजी में आपने लाल कलर की रोरी लगा ली। इस तरीके से आप बच्चे को सूजी को स्टिक करने के लिए देंगे आर्ट एंड क्राफ्ट के, मैं यहाँ पर आपको आइडियाज बता रही हूँ। तो ये एक्टिविटीज भी बच्चा बहुत ज्यादा पसंद करता है, तरह तरह के आप शेप्स बना के दे दीजिए और 2 साल 2.5 साल से बड़े बच्चे बहुत आराम से इन एक्टिविटीज को करते हैं। जैसे आपने तरह तरह के शेप्स बनाकर दे दिए, उस पर बच्चा अलग अलग कलर से अलग अलग कलर की जो सूजी है उसको स्टिक करेगा, उस पर लगाएगा, बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो ये चीजें आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हैं और बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। इसके अलावा मैंने आपको अपने बहुत बार वीडियोस में भी बताया है कि आप कुछ वर्कशीट्स बच्चे को दे सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है जो बच्चा उसमें स्पेंड कर सकता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी। जो मैं यूज करती हूँ वो है क्यू मैथ की वर्कशीट, आपको मैंने बहुत बार अपने वीडियोज में बताया है कि क्यू मैथ की वर्कशीट जो होती है वो बच्चे के एज ग्रुप से हिसाब से डिजाइन की गई है। एक्चुअली क्यू मैथ है क्या, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, मे बी जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनकी हेल्प हो जाए। क्यू मैथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मैथ्स लर्न करने का, उसमें बहुत इजी तरीके से मैथ्स को सिखाया जाता है, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होते हैं। मतलब यहाँ पर केजी क्लास से लेकर क्लास 10 तक की मैथ्स सिखाई जाती है, तो जो केजी से लेकर जो 6th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स होती है वो एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस होती है, मतलब कि एक टीचर 5-6 बच्चों को पढ़ाता है। बट अभी लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन की वजह से आना जाना अलाउड है नहीं, तो अभी इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं और 7th से लेकर 10th तक की इनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। और ऑनलाइन क्लासेस ऐसी होती है कि वो लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड वीडियोस वो दिखाते हैं, लाइव सेशन होते हैं 1-to-1, मतलब कि एक बच्चा एक टीचर, ऐसा होता है एक टीचर बच्चे को एक बच्चे को गाइड करता है और जो भी उनके डाउट होते हैं बच्चे को तो वो इस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं तुरंत ही। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मैथ्स लर्न करने का, अगर आपकी कोई जान पहचान में अगर आपका बच्चे को मैथ्स लर्न करना है, इस लॉकडाउन टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है तो आप बिल्कुल क्यू मैथ में जाकर दे सकते हैं। इनफैक्ट वो अभी फ्री डेमो क्लास भी दे रहे हैं तो एक बार आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और भी बहुत बेनिफिट्स दे रहा है क्यू मैथ अभी लॉकडाउन की वजह से, अभी उसमें बहुत सारी फ्री वर्कशीट्स भी मिल रही हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो और बच्चे को एंगेज कर सकते हो उन वर्कशीट को सॉल्व कराने में। और जो लोग एनरोल कर लेते हैं क्यू मैथ में तो एनरोलमेंट की वजह से समर कैंप भी ये चलाता है क्यू मैथ, तो समर कैंप भी मिलता है फ्री। तो इस समर कैंप में एक्चुअली मैथ सिखाई जाती है बच्चों को, कोडिंग सिखाई जाती है, फन गेम्स कराए जाते हैं, तो जो लोग एनरोल कर लेते हैं तो वो समर कैंप में उनको फ्री हो जाता है समर कैंप। तो मेरे हिसाब से अगर आपके बच्चे को मैथ्स लर्न करना है तो ये लॉकडाउन टाइम बहुत अच्छा टाइम है, ऑनलाइन आप बच्चे को एनरोल करा सकते हो
और बच्चा मैथ्स को बहुत ही अच्छे से लर्न कर सकता है, और जो समर कैंप है वो तो फ्री मिलेगा ही। तो सारा डिस्क्रिप्शन में बाकी आपको डिटेल मिल जाएगी, आप लिंक्स जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। जैसे अभी ये लॉकडाउन चल रहा है तो इस दौरान आप बच्चों की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए आपका बच्चा राइट नहीं करता है अभी, तो आप उसको इनिशिएट कर सकते हो। लाइक आप उसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने को दे सकते हो, ट्रेस करने को दे सकते हो, वर्टिकल लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटेड लाइंस, इस तरीके से कर्व्स वगैरह ड्रॉ करने को दे सकते हो, सर्कल ड्रॉ करने को दे सकते हो, जिगजैग लाइन ड्रॉ करने को दे सकते हो। इस तरीके से बच्चे में जो राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी, और ये जो लॉकडाउन टाइम है बहुत अच्छे से ये आप यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, तो ये जो बातें थी ये तो थी किस तरीके से बच्चा अपना ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकता है, बैठ के कुछ चीजों को कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटीज की जो कि बच्चा इंडोर ही खेल सकता है। सबसे पसंदीदा जो मेरी बेटी का गेम है वो है हॉपस्कॉच। मैंने भी छोटे में बहुत ज्यादा खेला है। तो हॉपस्कॉच आप दे सकते हो बच्चे को बनाकर छत पे, या कहीं भी अगर आपके यहाँ थोड़ा भी ओपन एरिया, या इनफैक्ट एक रूम में भी बच्चा खेल सकता है, बहुत मजा आता है। इसके अलावा इंडोर बॉलिंग जो हम करते हैं, जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं ना, उनका ही आप एक स्टैक बना सकते हो, पिरामिड बना सकते हो, और उसको बच्चे को बॉल फेंकने को कहो, उसमें वो खेलेगा। मतलब ये सारी एक्टिविटीज बच्चे का पता है आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करते हैं, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है आगे जाकर भी। उस अगर बच्चा का स्पोर्ट्स में जाना है तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसका परफेक्ट होना चाहिए। रीडिंग स्किल्स बढ़ाता है, इससे राइटिंग स्किल्स बढ़ती हैं बच्चे की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा बैट बॉल भी आप दे सकते हो बच्चे को, बैलून्स दे सकते हो बच्चे को खेलने के लिए। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो कि है अपने घर के कामों में बच्चे को इन्वॉल्व करना। मैं सच बता रही हूँ, जैसे मैं बर्तन अगर जमा रही हूँ तो मेरी बेटी को मैं बोल देती हूँ कि चलो अब ग्लास के स्टैक्स बनाओ आप, मैं उनको रखूंगी, तो उसको भी बड़ा मजा आता है, बढ़िया बैठ जाएगी, ग्लास के स्टैक्स, बोल्स के स्टैक्स बनाएगी और वो मुझे देगी। तो इस तरीके से आप बच्चे को घर के कामों में इन्वॉल्व कर सकते हो, या फिर डस्टिंग करने में बड़ा मजा आता है बच्चों को। और आई एम श्योर ये हर एक बच्चे की कहानी है, अगर मम्मा ने डस्टिंग कर रही है अगर मम्मा, तो बच्चे को तो पहले करना होता है। तो इस तरीके से आप घर के कामों में बिल्कुल इन्वॉल्व कर सकते हो। अगर आपके यहाँ अच्छा गार्डन एरिया है तो आप पौधों में पानी डालने का काम भी करवा सकते हो बच्चे से। तो इस तरीके से आप घर के कामों में बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है, देखिए अभी आजकल जो जमाना है वो सारा टेक्नोलॉजी का जमाना है, और अपना 24 घंटे में से बच्चा कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे या आईपैड पे। तो बेटर है आप कुछ ऐसी पजल्स इंट्रोड्यूस करो, ऐसे गेम्स इंट्रोड्यूस करो बच्चे को जो कि उसके लिए अच्छे हों, दिमाग लगाने वाले गेम हों, बच्चा कुछ ना कुछ उनसे लर्न कर रहा हो, केवल वीडियो बस नहीं देख रहा हो, इस चीज़ का मेक श्योर करिए। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ इसका एक सेपरेट वीडियो करूँगी, क्या क्या गेम्स या एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं बच्चों के लिए जो कि आप बच्चों को सिखा सकते हो और आपको डाउनलोड करनी चाहिए। अगर बच्चा स्क्रीन टाइम दे रहा है, मतलब बच्चे को अगर आप स्क्रीन टाइम दिला रहे हो, तो वो जो स्क्रीन टाइम है ना वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो करूँगी, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर और आऊँगी। इसके अलावा एक और टिप है, देखिए अभी आजकल क्या हो रहा है, हर एक घर में घर पे बैठे हुए हैं लोग, आपके रिलेटिव्स हर कोई घर पे बैठा हुआ है। ये अभी के टाइम में आप बच्चे को वीडियो कॉलिंग करवाओ, बच्चे को अपने रिलेटिव से बात करेगा, बिलीव मी बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। ये हम जनरली करते हैं, जैसे मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे अपनी बहन से बातें कराऊंगी अपनी बेटी की, तो बहुत इंटरेस्ट आता है उसको और अच्छे से टाइम निकल जाता है, बड़ा मजा भी आता है इन सब चीजों में। तो एक वो बच्चों का सोशल होना भी जरूरी है, तो इस टाइम में आप ये भी कर सकते हो। लास्ट स्टेप है जो कि अगेन आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, क्या कर सकते हो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से ही रिलेटेड है। आप क्या कर सकते हो, बच्चे को अगर आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप बच्चे को सीसर चलाना, कैंची चलाना भी सिखा सकते हो। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि ये बच्चे का जैसे मैंने बताया ना फाइन मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। आपने लाइक एक पेपर में कुछ लाइन ड्रॉ करके देखे कि जैसे शुरू में आपने सिंपल लाइन्स दी, फिर उसके बाद आप थोड़ी जिगजैग या थोड़ी कर्व वाली लाइन बनाकर दी, और उसके ऊपर उसको बोलना है कि आप इसको सीजर से इसको आपको कट करना है, पीसेस में करना है। तो ये इससे बच्चे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। बट हाँ, मेक श्योर कि ये श्योर कि आपका बच्चा 3 साल से बड़ा हो गया हो, तभी वो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएगा, और आपको थोड़ा सा सुपरवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बच्चा इन चीजों को सही से कर रहा हो। अदरवाइज हो सकता है कैंची से हाथ वगैरह काटने का या हार्म होने का डर न रहे, तो थोड़ा सा आपको वहां पर सतर्क होना पड़ेगा। तो यही थी कुछ 10 एक्टिविटीज जो इस लॉकडाउन टाइम में करवा सकते हो और इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया है तो, दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।